जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पुलिस ने बेगंदी अंधे कत्ल और गोगावा चोरी की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने चंदन तस्कर से 3 लाख रुपए की लकड़ियां भी जब्त की हैं। सोमवार शाम जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने घटित 3 अपराधों में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई और फलस्वरूप मिली सफलता से मीडिया को अवगत कराया। प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, डॉक्टर नीरज चौरसिया सहित संबंधित थानों के इंचार्ज भी मौजूद थे। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम वैगंदी में रात 10:30 बजे किसान पवन वर्मा की हत्या अवैध प्रेम संबंधों को लेकर की गई थी। हत्या के नकाबपोश सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गोगांव में मेडिकल स्टोर्स का शटर तोड़कर और सुने मकान में की गई चोरी के मामले में भी 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके अलावा बड़वा पुलिस ने इंदौर से कार द्वारा बुरहानपुर ले जा रही कुल 95 किलो चंदन लकड़ी जब्त की है। 27 फरवरी के इस मामले में पिपलोन कला जिला अगर मालवा के 2 आरोपियों और 1 महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन में लगी टीमों के अफसरों और जवानों की सराहना भी की है। विजयना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन। आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।